देखते ब्रेकफास्ट क्या है आज। यूजुअली ब्रेकफास्ट नहीं है क्योंकि एक्चुअली कोविड के चलते उन लोगों ने बोला है कि ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यूजुअली कुछ ना कुछ तो अच्छा ब्रेकफास्ट रहता है, जैसे कि ब्रेड ऑमलेट, स्क्रैम्बल्ड एग्स और बॉयल्ड एग्स, कॉर्नफ्लेक्स। लेकिन उन्होंने कल ही बोला देखो भाई ब्रेकफास्ट तो नहीं मिलेगा, उन्हें बोला सिर्फ जूस मिलेगा और कॉफ़ी मिलेगी। ये है कॉफ़ी है इधर, रेगुलर और डीकैफ, मतलब रेगुलर मतलब कैफीन वाली, ये विदाउट कैफीन वाली। एक्चुअली यूजुअली क्या होता है ना, ये फुल फ्रिज भरा हुआ रहता है, इसके में इसमें फ्रोजन योगर्ट हो या तो कुछ ब्लूबेरीज हो, स्ट्रॉबेरीज हो, सब इधर रख कर रखते हैं। इधर यूजुअली सब ब्रेड आते हैं, ब्रेड के आइटम, ब्रेड हो, बीगल हो, ठीक है। और ये देखो इधर जूस भी है, तो मुझे लगता है यार पहले मैं जूस पी लेता हूँ। अपन पियेंगे फर्स्ट क्लास ऑरेंज जूस। चीयर्स। वेलकम बैक टू द चैनल। तुम लोगों ने अगर D1 देखा नहीं है तो जाके D1 देख लो, उसके बाद इधर आना, क्योंकि वो अगर वो वीडियो देखते हो तो इधर सब वेवलेंथ मैच हो जाएगी। तो अपन अभी जा रहे हैं फिनिक्स एरिज़ोना, 10 घंटे की ड्राइव है, चले हमारे साथ। बीबी को कुछ मत बोल बाबा। क्या हुआ? तो मैंने पहले मेरे मॉम को कॉल किया, क्योंकि कैसे भी हम लोग ऐसे बल्ले बैठे थे, तो पहले मॉम को कॉल किया, मॉम ने नहीं उठाया। उसके बाद नुपुरा के मॉम को कॉल किया, उन्होंने भी नहीं उठाया। तो एक फ्रेंड को कॉल किया, उसने भी नहीं उठाया। तो फाइनली हम लोगों को लगा कि यार कोई नहीं उठा रहा हमारा फ़ोन, तो ठीक है नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके 10 मिनट के बाद सब लोगों ने एक ही टाइम पर कॉल किया। ऐसे तुम लोगों के साथ होता है क्या? ऐसा होता है तो प्लीज़ यार कमेंट में लिख देना। बाबा मैकडी मिल गया है, अभी हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। नुपुरा तुझे क्या चाहिए? मैक एग मफिन विदाउट कैनेडियन बेकन। तो ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि एग मफिन में इधर वो लोग बेकन डालते हैं। हे हाय, हाउ इज इट गोइंग? गुड, एंड यू? व्हाट कैन आई गेट फॉर यू टुडे? या सो वी नीड टू एग मफिन, टू एग मफिन विदाउट कैनेडियन बेकन, नो मीट, नो मीट। ओके, एंड डू यू हैव सिनेमन रोल? या, सिनेमन रोल, वन सिनेमन। ओह थैंक यू सर। Wow, it looks so yummy. Look at this. टैको बेल, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी। क्या करने वाले मिलेगा नुपुरा? बोल बोल क्या करने वाले का? सुसू। प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग इधर फिनिक्स जो चाह रहे हैं तो कम मुझे लगता है अराउंड 15 to 20 days हम लोग इधर रहेंगे। एक्चुअली ये प्लान था कि किधर तो एक जगह मिलने का सब फ्रेंड्स के साथ, तो बाद में हम लोगों ने क्या सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, हम लोगों का रोड ट्रिप भी हो जाएगा एंड विल टेक दिस रोड ट्रिप। और क्योंकि हमारे जब सो जो सब जो फ्रेंड्स हैं सब फिनिक्स के आए हैं, तो हम लोग रोड ट्रिप ले लेंगे, सब लोगों को मिल लेंगे। बाद में पता चला कि हमारे एक सर है तो उन्होंने एक घर लिया है, तो एंड दैट्स द रीज़न उनका जो एक हाउस वार्मिंग है वो 17 तारीख को है, तो वी थॉट ऑफ अटेंडिंग दैट एज वेल, थोड़ा फेस्टिव का माहौल भी हो जाएगा। हम लोगों ने एक्चुअली अभी तक अराउंड 3 या 4 घंटे कॉल किया और हमारे घर वालों के साथ, और वो लोग उन्होंने क्या पूछा पता है, जैसे कि इसके जो डैड है इसने क्या पूछा, अरे तुम लोग आराम से रहो, हम लोगों को कॉल मत करो और आराम से मधुचंद्र करो। तुम लोगों को पता है क्या मधुचंद्र? फॉर अ सेकेंड मैं सोच रहा था कि यार मधुचंद्र क्या है, फ़ोन रखने के बाद पता चला कि यार मधु मतलब हनी, चंद्र मतलब मून, लाइक हनी मून करो। या आई कम्प्लीटली गेट दैट पॉइंट, क्योंकि मुझे क्या लगा है पता है
कि मैंने हमारी जब शादी हुई थी मैंने बोला था कि वो 5 साल तक आई विल नॉट डू एनी किड्स, वी जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर मोर. लेकिन अभी क्या हुआ ना, हमारे 5 साल के रिलेशनशिप में 3 साल हम लोग एक मतलब वी हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. टू ईयर्स हम लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, एज इन ये ओमाहा में थी और मैं बॉस्टन में था. एंड नाउ हम लोगों को लग रहा है कि यार वी शुड टेक सम मोर टाइम, कि एक एक एज पे शादी होने चाहिए, एक एज पे बच्चे होने चाहिए, एक एज पे इनहेरिटेंस होना चाहिए हमारा, सो दैट यू नो वी कैन गिव अवर ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैव विद अस, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ब्ला 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 वेल्थ, सब बच्चों को दे दे और आप अपन एकदम आराम से रहे. मेरे सामने अभी दिख रहे हैं ड्राइव करते करते, एक चीज़ ऐसा है कि मुझे एक्साइटमेंट तो है दोस्तों को मिलने के लिए और उनके साथ गप्पा गोष्ठी करने के लिए, बात करने के लिए, पार्टी करने के लिए, लेकिन एक एक साइड से मुझे ज़रा सा थोड़ा बहुत टेंशन भी आ रहा है. क्योंकि कैसा टेंशन, ऐसा नहीं कम्फर्ट लेवल, क्योंकि मैं अभी तक मेरा कैसा था, मेरा अपब्रिंगिंग ऐसा था, मैं किधर दोस्तों के यहाँ या कोई गेस्ट के यहाँ नहीं रहता था. मतलब अभी ये मेरा मुझे लगता है पूरा, तुझे क्या लगता है, ये फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे बाहर जा रहे हैं फॉर टू लिव विद देम फॉर अराउंड 15 to 25 days, तो थोड़ा मेरा वो डिस्कम्फर्ट लेवल है. लेकिन मुझे यार कहीं ना कहीं तो मुझे वो तोड़ना है, ठीक है, ऐसा कभी बोल नहीं सकते. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो आई हैव टू गिव अप ऑन फ्रेंडशिप, राइट? सो समवेयर आई थिंक आई शुड लर्न अबाउट इट. गाइस हम लोग अभी पहुंच रहे हैं इन जस्ट 60 मिनट्स, तो इसके बाद तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद देम एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस विद देम ऑल्सो कि ब्लॉगिंग अगर कुछ होता है डिस्कशन तो डिस्कस करेंगे, वरना नहीं करेंगे. ओके, सो वॉट एवर इट इज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज यार सब्सक्राइब करो, स्प्रेड द लव, कमेंट करो अगर तुम लोगों को कुछ अच्छा लगा, कमेंट करो, कुछ अच्छा नहीं लगा तो प्लीज कमेंट करो, सो दैट वी कैन इम्प्रूव ऑन इट. थैंक यू, बाय बाय.